हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्रामर क्लास। बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच बार बार आप देखते होंगे, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हमने बताए हैं, और उनमें जो 8 हैं उस पर कल ये वीडियो है, नाउन प्रोनाउन वगैरह उस पर हो गया। तो आज हम एडवर्ब्स देखेंगे। व्हाट आर एडवर्ब? एडवर्ब को आप कैसे पहचानोगे, एडवर्ब क्या होता है वो देखना है। व्हाट इज एन एडवर्ब? हिंदी में देखो, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण बच्चों, वो नाम से ही स्पष्ट है, वो क्रिया की विशेषता बतलाता है, मतलब वर्ब के बारे में कुछ कहता है। सो इट इज अ वर्ड विच एड समथिंग मोर टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। वर्ब का जो अर्थ है, मीनिंग है, उसको उसमें वो कुछ ऐड करता है, कुछ ज्यादा अर्थ निकालता है, इसीलिए हमने यहाँ प्लस का साइन बनाया है। तो जो भी क्रिया होती है उसका अर्थ और बढ़ जाता है एडवर्ब से, इसलिए उसका नाम एडवर्ब है। एग्जाम्पल्स देखेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। जैसे पहला है ही वॉक्स, तो यहाँ पे सबको सभी बच्चों को पता है ही क्या है, ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट भी है, और ये वर्ब है, क्रिया है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम कहेंगे ही वॉक्स स्लोली, तो अब ये बता रहे हैं कि चलने वाली क्रिया कैसे हो रही है, वो कैसे चल रहा है, धीरे चल रहा है, धीमे चल रहा है, ये हो जाता है आपका एडवर्ब, और ये है वर्ब। दिस इज द वर्ब, दिस इज द एडवर्ब। एडवर्ब ने क्या किया, जो क्रिया किया थी चलने वाली, चलना, उसमें वो उसकी मीनिंग को और बढ़ा रहा था, किस तरह चलता है ये आपको बता रहा था, ये एडवर्ब का काम होता है। लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, चिल्ड्रन टॉक, बच्चे बात करते हैं, तो यहाँ पे वर्ब कहाँ है? टॉक। ये बात करना क्रिया है, इसके मीनिंग को ऐड कराना है, तो मान लीजिए हम जोड़ते हैं यस, चिल्ड्रन टॉक लाउडली, बच्चे जोर से बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉक क्या है, ये तो आपको पता है, ये वर्ब था, ये वर्ब है ना, और लाउडली क्या है, जोर से, तो ये इसने इस क्रिया के अर्थ को और बढ़ा दिया, ये आपका हो गया एडवर्ब। तीसरा वाला देखिए, मदर कुक्स, माँ खाना पकाती है, यहाँ पे भी बहुत सभी बच्चे जान रहे कुक्स है, लेकिन अगर इसी को हम करते हैं मदर कुक्स लविंगली, माँ प्यार से खाना पकाती है ना, तो ये प्यार से जो है खाना पकाने वाली क्रिया को बढ़ा के मीनिंग बता रहा है आपको, और तो ये आपका एडवर्ब हो गया, ये तो वर्ब है, आपको पता है। अक्सर देखिए जो वर्ब एडवर्ब्स एलवाइस एंड होते हैं, अक्सर अक्सर हम कह रहे हैं बच्चों, हमेशा नहीं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो ये आपका हो गया। इस डेफिनेशन को सार्थक करने के लिए ये काफी है। फिर आप देख रहे होंगे वहां हमने अलग से एक कार्टून सा बना के रखा है, वो क्या चीज है उसको समझते हैं। एडवर्ब जो वर्ड है, इसी शब्द में छुपा है इसका फॉर्मूला याद करने का, क्योंकि ग्रामर में इतना कुछ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी एडजेक्टिव, कभी कुछ, कभी कुछ, तो एडवर्ब याद करने का ये तरीका है, इसको हमने इसलिए बनाया है कि हम फिर आपके सामने बना के दिखाते हैं ताकि आप समझ पाइए। देखिए जो एडवर्ब है, लिख दीजिए एडवर्ब, लिख दिया। तो एडवर्ब का काम है 3 चीजों को मॉडिफाई करना, 3 चीजों, 3 चीजों के अर्थ में और बढ़ोतरी करना और उनके बारे में बताना। पहला हो गया एडजेक्टिव, एडी से मान लीजिए एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया वर्ब, वर्ब जैसा एग्जांपल हमने आपको दिखाया कैसे वर्ब के मीनिंग में और बढ़ा रहा था, वो एडजेक्टिव वाला हम लोग अभी देखेंगे। और फिर इन दोनों को जब आप ज्वाइन कर देते हो तो ये तीसरा वाला हो जाता है एडवर्ब। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि एडवर्ब का काम है क्रिया के अर्थ को बढ़ाना, वर्ब के एडजेक्टिव के अर्थ को बढ़ाना, और एडवर्ब के भी अर्थ को बढ़ा सकता है, उसकी मीनिंग को और बेहतर कर सकता है, तो ये होता है इसका काम। इसको याद रखेंगे ये कार्टून, तो आप हमेशा याद रहेंगे और आंसर कहीं ढूंढने नहीं जाना है। ये वर्ड आपको याद है, इसी में छुपा है कि एडवर्ब क्या करता है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच के लिए वो काम करता है, ये हम देख रहे हैं। अब और एग्जाम्पल देखते हैं, ये तो वर्ब का हो गया, हमने ये वाला सेकेंड वाला दिखा दिया, अब हम एडजेक्टिव की तरफ रुख करते हैं। Cut.
हाँ बच्चों, अब हमने देखा कि वर्ब्स के मीनिंग को कैसे बढ़ाता है वर्ब। अब हम आते हैं दूसरे एग्जांपल्स को, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है, दीपिका इज ब्यूटिफुल। तो ब्यूटिफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं बच्चों पता होगा तो फिर से एडजेक्टिव का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने बताया है व्हाट इज एन एडजेक्टिव। और आपको ये भी याद होगा कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, यहाँ दीपिका नाउन है ना, तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। तो दीपिका इज ब्यूटिफुल, लेकिन अगर इसी को हम कहेंगे दीपिका इज वेरी ब्यूटिफुल, अगर हम इसमें वेरी लगा देते हैं, तो ये इस एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, इसके अर्थ को और बढ़ा रहा है, सुंदर है, बहुत सुंदर, तो ये आपका हो जाता है एडवर्ब। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड वाला देखें, दिस लेसन इज डिफिकल्ट, ये पाठ कठिन है। ठीक है, तो कठिन यहाँ पे डिफिकल्ट आपका एडजेक्टिव है। इसी में हम अगर जोड़ देते हैं, दिस लेसन इज रियली डिफिकल्ट, तो ये आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट, काफी वास्तविक रूप से डिफिकल्ट है, ये सचमुच डिफिकल्ट लेसन है, ये इसके बारे में बता रहा है, तो ये आपका हो गया एडवर्ब। योर, तीसरा वाला देखिए, योर हेयर इज लॉन्ग, तुम्हारे बाल लंबे हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव कहाँ है, लॉन्ग, लंबे। अगर इसी को हम कहें योर हेयर इज सो लॉन्ग, तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं, सो, तो यहाँ पे आपका सो जो है ये आपका है। ठीक है, तो पहले वाले एग्जांपल्स जो हमने बच्चों दिखाए उसमें वो क्या बता रहा था, वर्ब्स की मीनिंग को और बढ़ा के बता रहा था। यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव्स की मीनिंग को और बढ़ा के बता रहा है। अब तीसरा क्या है, हमने ये जोड़ दिया था एडवर्ब, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को भी बढ़ा के बता सकता है, जैसे आपने पहले वाले एग्जांपल्स लिए थे तीनों, उसी को फिर से लेते हैं, ये बहुत मजेदार है, देखिए समझिए, जो पहले तीनों एग्जांपल्स थे वही लेना है, 1, 2, 3। ही वॉक्स स्लोली लिया था हमने, तो यहां स्लोली हमने बताया था कि ये एडवर्ब है। ठीक है, तो इसी एडवर्ब को एक और एडवर्ब से हम इसके अर्थ को बढ़ा सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ही वॉक्स वेरी स्लोली, बहुत धीमे चलता है वो, तो ये एडवर्ब हुआ, ये भी एडवर्ब हुआ, यहाँ पे इस एडवर्ब के बारे में अधिक बता रहा है, वो हो गया। दूसरा एग्जांपल आपका क्या था, चिल्ड्रन टॉक लाउडली, बच्चे जोर से बात करते हैं, ये आपका एडवर्ब था, इसी को इसी एडवर्ब के लिए आप दूसरा एडवर्ब भी चूज करते कर सकते हैं, चिल्ड्रन टॉक सो लाउडली, कितनी जोर से बात करते हैं, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को और बढ़ा के बता रहा है आपको। ठीक है, थर्ड वाला क्या था, मदर कुक्स लविंगली, यहाँ पे आपका ये एडवर्ब, इसमें भी हम जोड़ सकते हैं, मदर कुक्स सो लविंगली, मदर कुक्स वेरी लविंगली, मदर कुक्स रियली लविंगली, ये सारे एडवर्ब्स हैं, तो मान लीजिए फिर से हम वेरी भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, वेरी सो रियली, तो ये इस एडवर्ब के बारे में ज्यादा बता रहा है, तो ये सारे वर्ड्स एडवर्ब को और अधिक समझा रहे हैं, इसलिए ये एडवर्ब होते हैं। तो एडवर्ब का मेन काम है इन तीनों चीजों के मीनिंग को और बढ़ा चढ़ा के बताना, और आमतौर पर आपको एडवर्ब्स हाउ का आंसर देते हैं, मतलब कैसे, When, कब, where, कहाँ, to what extent, किस हद तक कोई चीज है, अगर इसका आंसर आपको मिलता है तो वो एडवर्ब होता है बच्चों, इसी को प्रैक्टिस करते रहिए, समझना चाहिए।